नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी रफाल पर आर पार की जंग की, झारखंड में पीएम के इमोशनल कार्ड की, जानेंगे कि क्या शिवपाल को झटका देंगे मुलायम, केजरीवाल से खुली बहस को तैयार होंगे अमित शाह, और आखिर में बात अमेरिका की रूस को चेतावनी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रफाल डील को लेकर बीजेपी नेता चंद्र कुमार बोस ने दी राहुल गांधी को धमकी, सबूत हो तो मोदी को अरेस्ट करें वरना खुद जेल जाने को तैयार रहें। गोवा में नहीं बदलेगा सीएम का चेहरा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले मनोहर पर्रिकर ही करते रहेंगे गोवा सरकार का नेतृत्व, मंत्रिमंडल में किया जाएगा बदलाव। राम मंदिर पर पवन वर्मा के बयान से जेडीयू में हड़कंप, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान को बताया निजी, कहा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक बार फिर दिखाई पाकिस्तान को आंख, कहा आतंक और शांति एक साथ संभव नहीं। मोहल्ला क्लिनिक के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की जनता से अपील, केजरीवाल ने लोगों से किराया मुक्त आवास और जमीन देने का किया आग्रह। और जूनियर विश्व कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के अरमानों पर फिरा पानी, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में नवीन को मिला रजत, रूस के अहमद इद्रिसोफ से मिली हार। सुर्खियों के बाद अब आज की सबसे बड़ी खबर की। रफाल विमान सौदे को लेकर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों में वार पलटवार का दौर चल रहा है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान पर राहुल के निशानों पर आज जहां जेटली ने सफाई देते हुए वार किया, तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर पलटवार किया है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। रफाल विमान सौदे में कौन सच बोल रहा है, सरकार या फिर विपक्ष? देश की राजनीति अभी इन्हीं सवालों से गर्म है। कांग्रेस के आरोपों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने वित्त मंत्री को घेरते हुए ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, जेटली जी की यह खासियत है कि वह बेहद शातिर तरीके से अपने झूठ से उन चीजों का बचाव करने की कोशिश करते हैं जिसका बचाव नहीं किया जा सकता है। अब तो हद हो गई है, अब उन्हें झूठ बोलना बंद कर जेपीसी का गठन करना चाहिए ताकि रफाल सौदे का सच सामने आ सके। राहुल गांधी पहले ही जेपीसी से मामले की जांच की मांग कर चुकी है, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं, बल्कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो आज साफ कर दिया कि डील में घोटाला हुआ ही नहीं। आज एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने के दौरान जेटली ने कहा कि विमानों के कम होने और ज्यादा कीमत देने पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जवाब सीएजी के सामने है। साथ ही उन्होंने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि कुछ हफ्तों में इस मामले में कुछ धमाके होने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने पूछा कि आखिर राहुल गांधी को कैसे पता था कि इस मामले में फ्रांसवा ओलांद कोई बयान देने वाले हैं। वैसे जेटली के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीधे तौर पर पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही कांग्रेस ने रक्षा मंत्री को भी घेरा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री गलत बयानबाजी करती हैं, उनका बयान निंदनीय है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि राहुल गांधी और उनका पूरा खानदान चोर है। डिवलाइफ की रिपोर्ट। रफाल को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। कांग्रेस सवाल पर सवाल उठा रही है, राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे हैं, मगर पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन बने हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो आगामी चुनाव को लेकर जमकर जनता को लुभा रहे हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद आज झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम बताया, साथ ही गरीबी को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। लोकसभा चुनावों में एक साल से कम का समय बचा है और बीजेपी पूरी तरह से अपने प्रचार में जुट गई है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न राज्यों में दौरे तेज हो गए हैं। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी आज बीजेपी शासित राज्य झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करते हुए अपनी सरकार का जमकर गुणगान किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के 70 साल में झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज और 350 विद्यार्थी थे, लेकिन 4 सालों में इसी राज्य में 8 मेडिकल कॉलेज और 1200 छात्र हैं। उन्होंने कहा कि इसी से समझा जा सकता है कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम गरीबी हटाओ के नारे आज़ादी के समय से ही सुन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश में 70 सालों तक राज किया, अगर उन्होंने गरीबों की आंखों में धूल झोंकने की बजाय उनको सशक्त बनाने के लिए काम किया होता तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि वो लोग समझते हैं कि गरीब कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गरीब सबसे ज्यादा स्वाभिमानी होता है।
प्रधानमंत्री ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि मैंने गरीबी को जिया है, गरीबी से निकला हूँ। मैंने देखा है कि हर चुनाव में टुकड़े फेंको और राजनीतिक उल्लू सीधा करो, यही चलता है। लेकिन आज हमारी सरकार में देश इस सोच से निकल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कल पीएम मोदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनता से उनका साथ मांगा था। लेकिन पीएम मोदी की ये मेहनत अब क्या रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे कोई रैली हो या फिर योजना का शुभारंभ, उनके निशाने पर कांग्रेस ही रहती है। वैसे अब तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल के निशाने पर भतीजे अखिलेश आ गए हैं। 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ वो मुलायम सिंह यादव को भी अपने पाले में लाने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन आज जंतर मंतर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे शिवपाल की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। समाजवादी सेकुलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल यादव कई दिनों से दावा ठोक रहे हैं कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। यहाँ तक कि उन्होंने मुलायम का मन मोहने के लिए उन्हें मैनपुरी से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया था। शिवपाल ने कहा था कि बेटे ने धोखा दिया, लेकिन भाई ताउम्र साथ रहेगा। शिवपाल ने तो पोस्टर्स के साथ साथ अपने झंडे पर भी मुलायम की तस्वीर लगाई थी। ये तस्वीरें संकेत दे रही थी कि मुलायम 2012 की तरह बेटे का साथ नहीं देंगे, वो इस बार भाई का साथ देंगे। लेकिन इन अटकलों पर अब इस तस्वीर ने विराम लगा दिया है, जिसमें जंतर मंतर पर अखिलेश और मुलायम एक मंच पर साथ नजर आए। दिल्ली में साइकिल यात्रा के समापन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के साथ मंच साझा किया, साथ ही लोगों से सपा का साथ देने की अपील भी की। मुलायम सिंह ने युवाओं से कहा कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। युवा कार्यकर्ता सपा को मजबूत करें, ताकि 2019 में दिल्ली में हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाए, और ऐसा पहले दो बार भी हो चुका है। वहीं पिता की तरह अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी से जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने काला धन और नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, लेकिन जब सवाल पूछो तो कहते हैं कि नाली के पास से गैस जलाकर पकौड़े बना लो। इसी के साथ ही अखिलेश ने कहा कि यूपी ने हमेशा से देश को रास्ता दिखाया है और 2019 में भी पार्टी यही काम करेगी। पिता पुत्र की इन तस्वीरों और बयानों से साफ है कि मुलायम बेटे अखिलेश के साथ हैं। अब देखना होगा कि इस झटके के बाद शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होता है, अब वो सपा की साइकिल को कैसे पंक्चर करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव ने तो साफ संकेत दे दिए हैं कि वो बेटे अखिलेश के साथ ही रहेंगे। अब इस झटके से शिवपाल कैसे निकलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे देखना यह भी दिलचस्प होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर अमित शाह क्या बोलते हैं। आज बीजेपी ने राजधानी दिल्ली में पूर्वांचल महाकुंभ रैली का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार और कांग्रेस को घेरा। शाह के इस वार पर केजरीवाल ने उन्हें चुनौती दे डाली। राजधानी दिल्ली में करीब 30-40% पूर्वांचली मतदाता हैं, जिन पर बीजेपी लगातार डोरे डाल रही है। तभी तो इन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने पहले मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब आगामी चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल महाकुंभ रैली का आयोजन किया। आज रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हिस्सा लिया और जमकर हुंकार भरी। कांग्रेस को घेरते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली को कांग्रेस के शासन में 15 साल तक ठगा गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भूख से बेटियां मर रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही। वहीं तिवारी के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी केजरीवाल पर जमकर बरसे। शाह ने पूछा कि केजरीवाल जी, आपने इन 4 वर्षों में दिल्ली के लोगों के लिए कितने काम किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक ही मंत्र है, झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना। अमित शाह के इस बयान के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जोरदार वार किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आइए इसी रामलीला मैदान में जनता के सामने खुली बहस करते हैं कि 4 साल में किसकी सरकार ने ज्यादा काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को जनविरोधी बताते हुए कहा कि जितने काम मोदी जी ने 4 साल में किए, उससे 10 गुना ज्यादा काम हमने किए। मोदी जी ने जितने जनविरोधी और गलत काम किए, हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया। मैं आपको चैलेंज देता हूँ। अब केजरीवाल के इस चुनौती को शाह स्वीकारते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।
डीबी लाइव की रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी को चुनौतियां देते थे। अब आगामी चुनाव को लेकर भी दोनों में जंग शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इसमें कौन बाजी मारता है। लेकिन उससे पहले नजर राजस्थान पर डाल लेते हैं, जहां बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राजपूत समाज के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद आज कर्णी सेना ने भी तल्ख तेवर दिखाए। जौहर स्वाभिमान रैली में कर्णी सेना ने साफ कर दिया कि SC/ST एक्ट पर बीजेपी को राहत नहीं मिलेगी। मानवेंद्र का बीजेपी छोड़ना तय माना जा रहा था। बीजेपी मानवेंद्र की कार्ड तैयार कर ही रही थी कि कर्णी सेना ने भी करारा वार कर दिया। अचित्तौड़गढ़ में राजस्थान कर्णी सेना ने भारी भीड़ जुटाकर साफ कर दिया कि अब बीजेपी को माफ नहीं किया जाएगा। कर्णी सेना राजस्थान में विधानसभा चुनाव न लड़ते हुए भी बीजेपी को घायल जरूर करेगी। राजस्थान कर्णी सेना के नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि SC/ST एक्ट में संशोधन कर मोदी सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सरकार राजपूत समाज के स्वाभिमान पर लगातार चोट कर रही है। कर्णी सेना राजनीतिक पार्टी नहीं है और हम चुनाव में अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारेंगे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध जरूर करेंगे। कर्णी सेना समाज में स्वाभिमान के साथ खड़े होने वाले का साथ देगी। आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजपूतों की यह नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, यह चुनाव परिणाम ही बताएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी के लगातार विरोध से साफ है कि आगामी चुनाव में उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वैसे परेशानी तो अभी पंजाब में अकाली दल और आपके सामने भी है। 22 जिला परिषदों और 150 पंचायत समितियों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ कर जीत हासिल की। अकाली दल दूसरे स्थान पर रहा, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर है। 19 सितम्बर को पंजाब की 22 जिला परिषदों के 353 जोन और 150 पंचायत समितियों के 2899 जोन के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे पूरी तरह से सामने आ गए हैं। इन चुनावों में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 22 जिला परिषदों के 353 जोनों के नतीजों के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 331 उम्मीदवार जीते। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। शिरोमणि अकाली दल के 18, भारतीय जनता पार्टी के 2 और निर्दलीय तथा अन्य में 2 विजयी रहे। इसी तरह 150 पंचायत समितियों के 2899 जोनों में से कांग्रेस पार्टी के 2351 उम्मीदवार जीते। आम आदमी पार्टी के 20, शिरोमणि अकाली दल के 353, भारतीय जनता पार्टी के 63, CPI के 1, CPIM के 2 और अन्य 107 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। पिछले 10 सालों से जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अकाली और बीजेपी गठबंधन का कब्जा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के साथ साथ कांग्रेस ने यहाँ भी अकाली को पछाड़ दिया। कांग्रेस को मिली जीत पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनता को धन्यवाद दिया है, जबकि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनावों में धांधली की आशंका जताई है। इन चुनावों में जनता ने आम आदमी पार्टी को तो पूरी तरह से नकार दिया, जो आगामी चुनाव में आपके लिए खतरे की घंटी जैसा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका की रूस को चेतावनी की। अमेरिका और उत्तर कोरिया में भले ही दोस्ती की बातें चल रही हों, लेकिन अमेरिका को अभी पूरी तरह विश्वास नहीं है कि किम जोंग इतनी जल्दी परमाणु निरस्त्रीकरण कर देंगे, इसलिए अमेरिका ने अब रूस को भी धमकी दी है। अमेरिका और उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण को लेकर अक्सर आमने सामने रहे हैं। जहां अमेरिका हमेशा से उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार खत्म करने के लिए धमकाता रहा है, तो वहीं किम जोंग उन भी अब तक ट्रंप को आंख दिखाते आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाद किम ने अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने पर प्रतिबद्धता जताई थी। किम जोंग के इस कदम की UN से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप तक ने सराहना की थी, लेकिन शायद अमेरिका को अब भी विश्वास नहीं है कि उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण कर देगा। इसीलिए उसने उत्तर कोरिया को ईंधन देने वालों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया को ईंधन पाने में मदद करने वाले किसी भी जहाज संचालकों या जहाज से माल भेजने वालों पर प्रतिबंध लगाने का इंतजार नहीं करेगा। अमेरिका की ये साफ चेतावनी रूस के लिए है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली रूस पर प्रतिबंध उपायों के साथ धोखेबाजी करने का आरोप लगा चुकी हैं। विदेश विभाग की प्रवक्ता हीथर नोआर्ट ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचने के लिए तिकड़म जारी रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को उत्तर कोरिया में पेट्रोलियम ईंधन के जहाज से हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि मिसाइल कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों को बढ़ाया है, लेकिन अमेरिका का आरोप है कि रूस उसकी मदद कर रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।